Let's start isomerism. Isomerism term is given by Berzelius. ये name Berzelius ने दिया था. Now what is isomerism? Isomerism which have same molecular formula but difference in at least one property. This is known as isomerism. पहले मैं एक example से बताती हूँ. Let's suppose CH3CH2OH. It is alcohol and another CH3OCH3. This is ethyl. It is ethanol and it is methoxymethane. अगर इन दोनों के लिए ही molecular formula देखा जाए तो molecular formula है C2H6O. In this case दो carbon है, hydrogen का number 6, oxygen 1. यहाँ पर भी देखें carbon 2, 6 hydrogens, 1 oxygen. दोनों के लिए molecular formula तो same है C2H6O. बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक जगह एल्कोहल और एक जगह ईथर. अब देखिए एल्कोहल कैन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है. बट अगर मैं इसके लिए बात करती हूँ, ईथर के लिए बात करती हूँ, इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई? इट इज लिक्विड एंड दिस वन इज गैस. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंस है. एक और प्रॉपर्टी लेते हैं. लेट्स सपोज अगर मैंने रिएक्शन करवाया CH3CH2OH का सोडियम से या एक्टिव मेटल से, इट रिलीजेस हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. बट अगर मैं यही रिएक्शन CH3 की एक्टिव मेटल से कराती हूँ तो रिएक्शन नहीं होती है. अगेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज. तो यही कहलाता है आइसोमेरिज्म, जहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट देयर आर डिफरेंस इन एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी. इट इज नोन एज आइसोमेरिज्म. गॉट द पॉइंट? आइसोमेरिज्म इज व्हाट. अब आइसोमेरिज्म में पढ़ना कितने टाइप का है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म व्हाट एवर वी विल स्टडी. हमें पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. टुडे वी विल कवर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म. वर्ड रूट इज वॉट? ब्यूट है ना. अब अगर मैं इसी
both cases hydrogens are same 10. It means for both these molecular formula is C4H10. यहाँ पर दोनों ही केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया C4H10। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेंथ ऑफ कार्बन चेन को अगर हम कंपेयर करते हैं, पेरेंट चेन देयर इज 4 कार्बन पेरेंट चेन, इन दिस केस 3 कार्बन पेरेंट चेन, इट्स नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेन। लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज 3 कार्बन, तो यहाँ लेंथ कार्बन चेन का चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों ही चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एंड आई कैन से 1 and 2 आर चेन आइसोमर्स, बोथ दीज आर चेन आइसोमर्स। तो यहाँ पर हमने बात की चेन आइसोमेरिज्म की, ये मैंने आपको पेरेंट चेन के लिए बताया। एक एग्जाम्पल करते हैं साइड चेन का। First and second, are these position isomers? Yes,
These are position isomers. One and two are position isomers. Why position isomers? यहाँ पर length of carbon chain तो same है, five carbon की length है current length. But subsequent position देखिए, it is two and this one is three. अगर मैं name लिखती हूँ, it is two methyl pentane. And its name is 3-methylpentane. Word root is same. Word root same means what? Length of carbon chain same. But locant position देखिए. Locant position is 2 and 3. Position change हुई है substituent की. Such type of isomerism is known as position isomerism. Now consider करते हैं position isomers of butene. अगर मुझे butene के लिए position isomers बनाने हैं. Butene molecular formula is C4H8. Butene के लिए molecular formula C4H8 है. अब इसके लिए position isomers CH3, CH2, CH double bond CH2. It is but1ene. हम कहाँ से numbering start करते हैं? जहाँ से double bond near. It means it is but1ene. क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? CH3, CH double bond CH, CH3. Now numbering from left to right or right to left बात एक ही है. 1, 2, 3, 4. It is but2ene. Molecular formula same, but position देखिए. Position of functional group it is different. In first case position of ene double bond is first, and in second case it is 2. But it remains same, means length of carbon chain same. तीनों ही conditions fulfill हो रही हैं. Molecular formula same, parent chain length same, but position of functional group different. It means 1 and 2 are position isomers. इसलिए दोनों ही क्या हैं? Position isomers हैं. तो अभी हमने बात की position isomers की. Now talk about next. This is functional isomers. Next is functional isomerism. Key point is molecular formula same. It remains same. Molecular formula तो same है. But nature of functional group is different. लेकिन यहाँ पर functional group का nature different है. अब कैसे? Let's suppose I am writing C3H8O. मैंने यहाँ एक molecular formula लिखा है C3H8O. अब मैं इसको कैसे indicate कर सकती हूँ? It is alcohol CH3CH2OH. Now look at this. How many carbons? 1, 2, 3. 3 carbons. It means C3. Hydrogens count करते हैं. 3, 2, 2, 1. And 8. It means C3H8. Or 1 oxygen. C3H8O. क्या इसी को मैं इस तरह लिख सकती हूँ? CH3O, CH2, CH3. Now again count carbon, hydrogen and oxygen. It remains same. C3H8O. Molecular formula same. But in this case, in first one, functional group is alcohol, but in second one, functional group is ether. Its name is propane-1-ol. But this is methoxy-ethane. क्या functional group differ है? और अगर functional group differ है, molecular formula same है, it means 1 and 2 are functional isomers. ये दोनों क्या हैं? Functional isomers हैं. तो functional isomerism के लिए क्या याद रखना है? Molecular formula same होगा, but nature of functional group different होगी. और अगर molecular formula same और nature of functional group different है, it is known as functional isomerism. Now talk about next example. C3H6O. Now look at this. CH3, CH2, C double bond OH. It is aldehyde. Next one is what? CH3, C double bond O, CH3. Now look at the number of carbon atom in both cases. 3, C3. Now look at the number of hydrogen atoms. 6. In this case 6. Again 3 and 3, 6 and O. It means molecular formula is same. Now look at the functional group. In first case functional group is aldehyde. While in second case functional group is ketone. Okay, अगर इसका name करना है, it is propane-1-ol and it is propanone. अगर molecular formula same है और functional
फंक्शनल आइसोमर्स हुए. इट मीन्स वन एंड टू आर फंक्शनल आइसोमर्स. ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं. तो ये चीज ध्यान रखनी है. अगेन जरा ये देखिएगा, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स क्या था? इथर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, वहां पर CnH2n प्लस 2O था. इन दिस केस CnH2nO मींस एल्डिहाइड. एल्डिहाइड के फंक्शनल आइसोमर्स क्या बना? कीटोन. वेरी गुड. नाउ कम टू वन मोर एग्जांपल. अगर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर्मूला चेंज. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O2. काउंट कर लीजिए, तीन कार्बन है, सिक्स हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है. अब इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम? CH3C OOCH3. क्या यहाँ पर तीन कार्बन है? बिल्कुल है जी. अगर हम हाइड्रोजन देखते हैं, सिक्स हाइड्रोजन है, वो भी है, दो ऑक्सीजन भी है. इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हुआ, बट फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है एस्टर. इट मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप. दिस इज अगेन फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड वन एंड टू स्ट्रक्चर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स. होपफुली क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, ऐसे ही 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं. देखिए मैं लिखती हूँ CH3CH2CH2NH2. ठीक है, वन मोर एग्जांपल, CH3NH CH2CH3 एंड वन मोर CH3NCH3CH3. अब जरा तीनों ही केसेस में देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन. 1, 2, 3, 3 कार्बन. इन ऑल द केसेस कार्बन नंबर इज 3. नाउ लुक एट द हाइड्रोजन, 3, 2, 2 एंड 2, इट्स 9 एंड N. इन ऑल द केसेस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, C3H9N. कहीं पर भी काउंट कर लीजिए. बट अगर मैं इसे देखती हूँ, इट इज 1 डिग्री अमाइन, this one is 2 degree amine and this one is 3 degree amine. All these are different, functional groups are different. Molecular formula same but different functional group. Again it is example of functional isomerism and 1, 2, 3 are functional isomers of each other. Now come to the next one, it is metamerism. This is metamerism. In case of metamerism, molecular formula same. Again key point is this, molecular formula same but length of carbon chain different both side of functional group. Functional group के दोनों ही side length of carbon chain different होगी. इस type के isomerism को बोलते हैं metamerism. अब वो functional group, जो भी functional group के दोनों ही side alkyl group place हो सकते हैं, like ketone, ether, thioether, secondary amine. In this case, if length of carbon chain different both side of the functional group, such isomerism is known as metamerism and such molecules known as metamers. इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं जो मेटामेरिज्म शो करते हैं? मेटामर्स बोलते हैं. अब चलो देखते हैं, एग्जांपल लेकर के चलते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मैंने कहा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. C5H10O. और इन आइसोमर्स को बोलते हैं मेटामर्स. तो व्हाट इज मेटामेरिज्म?
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑन बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म एंड सच मॉलिक्यूल्स आर नोन एज मेटामर्स करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की रिंग चेन आइसोमेरिज्म फर्स्ट की पॉइंट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट यहाँ चेंज क्या है एग्जिस्ट इन बोथ रिंग एंड चेन फॉर्म ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रिंग फॉर्म में और चेन फॉर्म में एग्जाम्पल देखते हैं C4H8 मैंने कॉमन फॉर्म लिखा हुआ है इट इज ब्यूटीन ब्यूटीन की अगर मुझे चेन फॉर्म बनानी है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इट इज ब्यूटीन इन चेन फॉर्म और अगर इसी को रिंग फॉर्म में शो करना होगा इट इज साइक्लोब्यूटेन ब्यूटीन एंड साइक्लोब्यूटेन For both molecular formula is same C4H8 it means I can say that butene and cyclobutane are ring chain isomers another example is C3H6 it is propene is what CH3 CH double bond CH2 aur iske liye hum ring form kaise bana sakte hain cyclopropene it means propene and cyclopropene are ring chain isomers Another is propyne. मैंने यहाँ लिखा है C3H4. C3H4 is propyne. Propyne मुझे शो करना है CH3 C triple bond CH. अब इसको रिंग फॉर्म बनाएंगे तो रिंग फॉर्म क्या बनेगा? बिल्कुल बनेगा. It is propene. क्या बन जाएगा? Propene. ऐसे ही अगर मैंने लिया butyne C4H6 और butyne के लिए चेन फॉर्म CH3 CH2 C triple bond CH it is chain form और इसके लिए ring form बनाना है cyclobutene it means I can say that butyne and butyne भी कह सकते हैं butyne and cyclobutene both are ring chain isomers तो ring chain isomers के केस में क्या ध्यान रखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट वो दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रिंग फॉर्म में भी और चेन फॉर्म में भी एंड ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिंग चेन आइसोमर नेक्स्ट इज टॉटोमेरिज्म फॉर टॉटोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो रेडिली इंटरकन्वर्टेबल हैं मतलब एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं इसी का मतलब हम कह सकते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे तो यही चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर मीन्स दोनों ही स्ट्रक्चर्स दोनों ही टॉटोमर्स वन फॉर्म टू अनदर एंड अनदर टू फर्स्ट वन ईजिली इंटरकन्वर्टेबल हो सकते हैं इसलिए हम कहते हैं कि दीज एग्जिस्ट या दीज फॉर्म शो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दीज फॉर्म रेडिली इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स और ये जो फॉर्म्स होती हैं वो कैसी होती हैं इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स होती हैं और इन इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं टॉटोमर्स और वो सभी कंपाउंड्स जो इस टाइप का आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन्हें बोला जाता है इस फिनोमेना को बोला जाता है टॉटोमेरिज्म तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं एग्जाम्पल इज कीटोइनोल फॉर्म लेट सपोज मैंने लिखा CH3 सी डबल बॉन्ड OCH3 प्रोपेनोन इन दिस केस प्रोपेनोन में यहाँ पर CH3 दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन मैं इसे इस टाइप से भी लिख सकती हूँ दिस वन नाउ व्हाट विल हैपन दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टुवर्ड द ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज और ये एच पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा तो कार्बन पर नेगेटिव और इस कार्बन का पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे तो हम इस तरह से कह सकते हैं डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई यहाँ और एच पॉजिटिव की शिफ्टिंग हुई टुवर्ड्स ऑक्सीजन और कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बना CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 दिस फॉर्म इन विच कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट नोन एज कीटो फॉर्म एंड दिस फॉर्म इनोल इनोल मीन्स ई प्लस ऑल से मिलकर के बनाए ई प्लस ऑल जहाँ पर प्राइमरी सफिक्स ई और सेकेंडरी सफिक्स ऑल है ई विल बी कैंसल्ड आउट इनोल डबल बॉन्ड और OH ग्रुप दोनों ही हैं इसे बोलते हैं इनोल फॉर्म मीन्स कीटो एंड इनोल फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर तो इसके लिए मेन कंडीशन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है मीन्स अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस कंपलसरी है इट मीन्स दिस फॉर्म विल शो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म
क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, दैट्स व्हाई वी शो बाय द डबली हेडेड एरो दीस फॉर्म्स आर इंटरकन्वर्टेबल, वेदर कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू द इनोल फॉर्म, मोस्टली प्रपोर्शन कीटो फॉर्म का ही है. ओके, इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम बताइएगा. क्या ये वाला स्ट्रक्चर कीटो इनोल फॉर्म शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिकॉज देयर इज अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट. वन मोर स्ट्रक्चर आई वांट टू आस्क, कैन इट शो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म? नो. अगर हम इस कार्बन के नियर देखें, दिस कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन आर नॉट प्रेजेंट, इट मीन्स यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं कीटो इनोल फॉर्म शो करने के लिए. इट मीन्स दिस कंपाउंड कांट शो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म. दिस कैन शो एंड दिस वन कैन शो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म. तो आज हमने अभी बात की है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने जाना चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स, इन्हें कंसीडर कर लेते हैं. किस आइसोमेरिज्म में आता है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. देखिए जरा, फर्स्ट पोजीशन पैरेंट चेन सेम, यहाँ पर साइड चेन में डिफरेंस है. और अगर साइड चेन में डिफरेंस है और पैरेंट चेन लेंथ सेम है, इट मीन्स बोथ दीज आर चेन आइसोमर्स. नाउ लुक एट द सेकंड एग्जांपल. पैरेंट चेन लेंथ सेम, सिक्स कार्बन की साइकिल है, बट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इट इज 1,4, इट इज 1,2. इट मीन्स पोजिशन चेंज, पोजिशन आइसोमेरिज्म. अगेन इन दिस केस, थ्री कार्बन रिंग सेम, बट पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इट इज डिफरेंशिएटेड 1,1 एंड इट इज 1,2. अगेन पोजिशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है CH3CH2CN, इट इज साइनो एल्केन. And this one is CH3CH2NC, it is isocyanoalkane. Means there is functional group difference. और अगर functional group difference होगा तो ये example है functional group isomerism का. तो जहाँ पर parent chain length same है, substituent, यहाँ पर substituent length change है, तो इसे हम क्या कहेंगे? Chain isomers. जहाँ substituent position change है, कहते हैं पोजिशन आइसोमर्स. जहाँ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, उन्हें बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स.